अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे मन ठीक नहीं लग रहा है हमारा। मन में कुछ लग रहा है ना तो मन की सुन बेटे, कोई कुछ भी कहे करो अपने मन की। बिल्कुल सही कह रही है साधना, तुम यहाँ इतने दिनों बाद। इससे मिलो, ये है कुहू, मेरी बहू, राजीव की पत्नी। खुश रहो, खुश रहो। और ये है केत की, मेरी बहू और बेटी भी। कुहू भी बेटी से कम नहीं है। खुश रहो। वैसे कुहू, तुम्हारी माँ जैसी बुआ बिल्कुल ठीक कह रही थी, जो मन कहे वही करो। बुआ जी तो हमारे हर बात में, हर घड़ी, हर पल, हर विचार में हमारे साथ होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए हमारी साधना माँ है, शक्ति और विश्वास का स्तंभ। रिश्ते में तो ये हमारी सास है, लेकिन इस बेटी का साथ माँ बनकर हर कदम पर देती है। गजबी का रिश्ता है आप लोग का। वैसे केतकी, हम दोनों कितने भाग्यशाली है ना कि हम दोनों को प्रभा बुआ और साधना माँ जैसी सास मिली है। जय भोलेनाथ। जय महादेव। तब इसी बात पे वादा करो कि आप दोनों हमारी बेटी की शादी पे जरूर आओगे। बिल्कुल। और हाँ, यह मन की नहीं, हमारी सुननी पड़ेगी। जी। भोलेनाथ, कैसा परीक्षा है? अगर उनमें कोई खतरा है ना तो हम पर दे दो। अगर जान लेना है तो हमारा ले लो भोले बाबा, हमारे राजी बाबू का रक्षा कर लो। उनको कोई सजा मत दो। सजा है, इस खानदान में पैदा होना ही एक सजा है। संभल के बात करो, जनेल भवन है और यहाँ। अरे ये गड़े मुर्दों और कंकालों का भवन है बाबा। और बाबा, आपके न जाने कितने गलत फैसले श्राप का रूप लेकर डस रहे हैं इस घर को। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, चंदेल नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। अगर कोई है तो वो निर्वंश हो जाए। हालांकि उस श्राप की वजह से ही हमें कुहू नाम का वरदान मिला, लेकिन क्या है उसकी जिंदगी इस घर में? क्या है बाबा, एक ना खत्म होने वाला नर्क? घर का नर्क से निकालो भोलेनाथ, रक्षा करो हमारे राजी बाबू का। हाँ राजीव, अनर्थ हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ इस घर में, लेकिन जो कुहू के साथ हुआ ना, उस अपराध के बारे में सोचकर रूह कांप उठती है हमारी। मानती हूँ मैं, वो पाप ना किसी भी तरह क्षमा करने योग्य है ही नहीं। अरे कुहू ने तो इस घर को सारे प्रकोपों से दूर रखा, गंगा जल बनकर पवित्र किया इस घर को, और ये घर उसी गंगा जल को मैला करने में लगा हुआ है। अभी हमारी दृष्टि चली गई थी बुआ जी, लेकिन अब लगता है जैसे आपकी दृष्टि चली गई है। ये कभी हमारी मौसी थी, आज पता नहीं क्या ही है। अपने आप को ये देव बाबा की पत्नी बताती है क्या? ये पाप नहीं तो और क्या है? हमारे दादा ने, हमारे बाप ने भी किसी जमाने में दूसरी शादी की थी, उसी का एक नतीजा सिद्धेश्वरी है। अरे तुम्हारे बाबा को फंसाया इस औरत ने अपनी माया में, अपने सम्मोहन में। सच्चाई तो ये है। बोले बाबा, तुम्हारे हमारे माई और राजीव बाबू के अलावा कोई हमको नहीं भूसता है। अगर हमारी भक्ति में थोड़ा भी सच्चाई है ना तो उसका सारा पुण्य राजीव बाबू के रक्षा में लगा दो। बोले ना, बोले बाबा, हम कह देते हैं तुमसे, तुमको बुरा लगे या भला, अगर यमराज का रुख चंदेल भवन की तरफ गया भी ना, जिससे राजीव बाबू ने चंदेल परिवार के हर सदस्य के लिए ना, हम यमराज से लड़ जाएंगे। हमने फंसाया आपके भाई को, हम मोहिनी, हमारा सम्मोहन,
अपने भाई के गुनाहों की कीचड़ हम पर क्यों उछाल रही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी आड़ में अपना कोई गुनाह छुपा रही हो? हमने फंसाया इनके भाई को। इससे हमारी बहन है वो। प्रभा जी बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारा शनि ग्रह हो तुम हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल। जब ब्याह करके लेके आए थे तब ये भूल याद नहीं आई आपको? सच बाबा, ऐसी गलतियां कब तक करेंगे आप? तुम गलती से भी अगर हमारे राजीव बाबू के भाग्य में तुमने दुर्घटना या त्रुटि लिख दी हो तुमको हमारा कसम है तुमको वो सब मिटाना पड़ेगा, तुमको अपना लिखा हुआ मिटाना पड़ेगा। बोले बाबा, बचपन से तुम्हारा सेवा करते करते, तुम्हारे साथ रहते रहते, तुम्हारा भक्ति करते करते ना हम भी तुम्हारी तरह जीत करना सीख लिया। बोले बाबा, एक तरफ तुम्हारा जिद और दूसरा तरफ हमारा जिद। हमने तो संकल्प लिया है जिम्मेदारियों का, तो पहले इस घर की जिम्मेदारी और उसके बाद सिद्धेश्वरी। राह देख रहे हम उस दिन की जिस दिन हम इस घर की जिम्मेदारियों से फारिग हो जाए, उसके बाद उस सिद्धेश्वरी की ईंट से ईंट ना बचा दी ना बाबा, तो हमारा नाम भी राजीव नारायण चंदेल नहीं। ऐसा क्यों, क्या करने की सोच रहे हो तुम? दुर्गा ने, प्रभादी ने झूठ बोला मुझसे। आज तक ये सच, मेरा सच सबने मुझसे छिपा कर रखा। सिद्धेश्वरी देवी मेरी असली बहन, तुम्हारी असली बुआ है। ये घर इनका नहीं है, ये घर हमारी मिल्कियत है। कुछ नहीं चाहिए मुझे पापा, ये नए रिश्ते भी नहीं। जिन्होंने मुझे भला पोसा है मेरे लिए असली रिश्ते हैं। ये घर हम सबका घर है और ये हमारी बहन है, और आज से इसका ये बड़ा भाई इसकी जिम्मेदारी निभाएगा। कर्तव्य हो तुम हमारा, जिम्मेदारी हो। जब तक तुम्हारा ये दादा जिंदा है ना, तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और आपको ना हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सारे रिश्ते तो तोड़ ही दिए आप, अब मेहरबानी करके बाइज्जत ये घर भी छोड़कर चले जाइए अपनी उस सगी बहन के पास। अपनी ये दादागिरी अपने पास रख, वरना चाचू। भानु, क्या कर रहे हो ये? हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे, बाइज्जत ये घर छोड़कर चले जाइए आप। तू मुझे मेरी ही बेटियों से अलग करना चाहता है? तेरी हिम्मत। अपने हाथ को काबू में रखिए, वरना भूल जाएंगे कि आप हमारे चाचा हैं। चाची बाबू, क्या करें आप? हटिए, छोड़िए, हटिए, छोड़िए। उम्र में बड़े हैं, आदर करते हैं आपको, लिहाज है आपका, इसीलिए हाथ नहीं उठाएंगे आपका। हाँ, लेकिन एक बात जान लीजिए, आपकी वो जो
बहन है ना सिद्धेश्वरी देवी, वो हमारे हाथों से नहीं बचेगी। अकेली नहीं है वो, भाई है उसका उसके साथ। कोशिश तो करके तो देख एक बार। फिर से कह रहे हैं आपको, लिहाज कर रहे हैं हम उम्र का, वरना चंद मिनटों में ना। अरे बंद करिए गीदड़ बकिया, मत है तो कर सामना कर। गलत कर रहे, हटिए। चलिए राजीव, चलिए यहां से। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।